समापन था और यहाँ पे वंदे मातरम का कार्यक्रम था और यहाँ पे काफी भीड़ है, यहाँ पे काफी बच्चे आए हैं और उसमें हम लोग ने भी वंदे मातरम गाया था। कैसा लगा आपने यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी भीड़ है। एक साथ इतने लोगों ने गाया? हाँ, एक साथ इतने लोगों ने गाया था। प्रियांशी श्रीवास्तव। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पे सब लोग एकत्रित हुए और इस बात को जब बताने के लिए कि हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान दिया है उसको हम भूले नहीं हैं और हमारा जो चरित्र है उसको हम भूले नहीं हैं और आने वाले दिनों में सशक्त और चरित्रवान भारत का निर्माण करेंगे। कॉलेजी नगर से जो कार्यकर्ता बिंदु आए हुए हैं, यहाँ पे लगभग काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए, बच्चे भी आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है कि जिसको आप केपी ग्राउंड में कभी भरता नहीं है, आपने देखा तो यहाँ पे कम से कम 50,000 और 1,00,000 के बीच की भीड़। अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है देश में, पूरे देश में आज़ादी के बाद, और यहाँ पे सामूहिक रूप से वंदे मातरम कह के एक संदेश दिया गया है कि देश के लिए और प्रदेश के लिए यहाँ पे जितने आए हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विशेष तौर पे आज जो स्वाधीनता वंदे मातरम अमृत महोत्सव हो रहा है, निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। आज यही महोत्सव मना के समापन किया गया। देश के शहीदों से लेकर चंद्रशेखर भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी शहीदों को मैं चरणों में सत नमन करता हूं। इन्हीं के प्रेरणा से आज मेरा देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी का पल आज हम लोग मना रहे हैं अमृत महोत्सव।